बहुत बहुत धन्यवाद। यह दीक्षांत समारोह हम विश्वविद्यालय परिजनों के लिए दृढ़ संकल्पित होने का सुअवसर है कि हम अपने विश्वविद्यालय में शिक्षा एवं शोध के माध्यम से समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास करें, जिससे संपूर्ण विश्व का समग्र विकास हो सके। अब मैं विश्वविद्यालय के नेतृत्वकर्ता, ऊर्जावान एवं यशस्वी कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय जी से अनुरोध करता हूं, वे कुलाधिपति महोदया से दीक्षांत समारोह का शुभारंभ की घोषणा करने का अनुरोध करें। माननीय कुलाधिपति जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि ख्वाजा बोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के षष्ठम दीक्षांत समारोह 2022 के शुभारंभ की घोषणा करने की कृपा करें। मैं ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के षष्ठम दीक्षांत समारोह 2022 के आरंभ की घोषणा करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद महोदया। इस दीक्षांत भवन में आयोजित इस दीक्षांत समारोह में मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय जी से निवेदन करता हूं कि वे हमारी कुलाधिपति महोदया एवं महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, विशिष्ट अतिथि पद्मश्री श्रीमती मालिनी अवस्थी जी एवं यहाँ उपस्थित एवं हमसे जुड़े हुए समस्त अतिथियों के स्वागतार्थ अभिभाषण दें। मंच पर आसीन हम सबकी मार्गदर्शक माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश एवं कुलाधिपति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय श्रीमती आनंदीबेन पटेल, विशिष्ट अतिथि पद्मश्री मालिनी अवस्थी, व्यवस्था पाठ्यक्रमों के सम्मिलित किए जाने से इनकी उपयोगिता बढ़ेगी ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। प्रदेश स्तरीय अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट व्यवस्था लागू की जा रही है। स्वयं एवं NPTEL के पाठ्यक्रम पढ़ने वाले छात्रों के क्रेडिट ट्रांसफ़र की व्यवस्था भी की जा रही है। शोध एवं नवाचार के क्षेत्र में विश्वविद्यालय ने बहुमुखी प्रगति दिखाई है। वर्तमान अकादमिक सत्र में शिक्षकों द्वारा 20 पुस्तकें, विभिन्न पुस्तकों में 24 अध्याय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में 124 शोध पत्र प्रकाशित किए गए हैं। इसके साथ ही 6 पेटेंट और 4 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस भी विश्वविद्यालय ने प्राप्त किए। विश्वविद्यालय में इस समय विभिन्न विषयों में PhD के प्रथम बैच के 113 शोधार्थी कार्य कर रहे हैं। इनमें से 20 शोधार्थी जूनियर अथवा सीनियर रिसर्च फेलोशिप भी पा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आगामी वर्षों में कई शोधार्थी अपने शोध कार्य पूर्ण कर इसी तरह आयोजित किए जाने वाले दीक्षांत समारोहों में अपनी डिग्री प्राप्त कर रहे होंगे। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों में PhD के रिक्त सीटों पर प्रवेश की प्रक्रिया भी प्रारंभ की जा रही है। विश्वविद्यालय की आधारभूत सुविधाओं एवं भवन निर्माण के संबंध में भी मैं बताना चाहता हूं कि अभी तक इस अकादमिक परिसर में मात्र 3 तल का ही विश्वविद्यालय उपयोग कर पा रहा था। इस सत्र से इस दिशा में भी प्रगति हुई है। बाकी 3 तल पर निर्माण कार्य अब अपने अंतिम चरण में है। ऐसी आशा है कि शीघ्र ही समस्त भवनों का उपयोग शुरू हो जाएगा। विश्वविद्यालय ने महामारी के दौरान भौतिक रूप से पठन पाठन के अतिरिक्त पठन पाठन की मिश्रित पद्धति को भी प्रभावशाली ढंग से क्रियाशील किया। विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने विभागवार अपने YouTube चैनल और ई लर्निंग के दूसरे स्रोतों का उपयोग करते हुए ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों पद्धतियों के माध्यम से शिक्षण कार्य संपादित कराया। मैं ये भी उल्लेख करना चाहता हूँ कि कोविड महामारी के दौरान जिन विद्यार्थियों के माता अथवा पिता का दुर्भाग्यवश निधन हो गया, विश्वविद्यालय ने ऐसे तमाम विद्यार्थियों की शुल्क माफ करते हुए उन्हें प्रवेश दिया है। विश्वविद्यालय की सांस्कृतिक समिति द्वारा ग्रामीण महिलाओं एवं सामाजिक संपर्क एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। समिति के सदस्यों द्वारा शिक्षकों के साथ मिलकर ग्राम अल्लू नगर दिगुरिया में महिलाओं एवं बालिकाओं से उनके स्वास्थ्य, विशेषकर अनीमिया और स्वास्थ्यवर्धक खानपान के बारे में परिचर्चा कर विशेषज्ञों की राय से उन्हें अवगत कराया गया। महिलाओं एवं बालिकाओं के वजन का मापन कर उनका डाइट चार्ट भी बनवाया गया है। विश्व ओजोन दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग फ्री दिवस जैसे अवसरों पर पर्यावरण को हो रही क्षति एवं उससे बचाव संबंधित विषयों पर जागरूकता अभियान चलाए गए तथा श्रमदान भी किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग शिविर का आयोजन कर स्वास्थ्य संबंधी भारतीय परंपराओं के प्रति जागरूकता अभियान चलाते हुए योग अभ्यास भी कराया गया।
महिला अध्ययन केंद्र ने निकटवर्ती गांवों के स्वयं सहायता समूह से वार्ता कर न केवल उनकी समस्याओं पर चर्चा की बल्कि उनके निवारण हेतु महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। विश्वविद्यालय में मिशन शक्ति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यक्रमों के आयोजन भी किए गए जिनमें महिला समानता एवं सशक्तिकरण जैसे ज्वलंत विषयों पर अन्यान्य कार्यक्रमों का आयोजन शामिल है। विद्यार्थियों को लिंग भेद के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करने हेतु नुक्कड़ नाटक इत्यादि अन्य कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। विश्वविद्यालय में एनसीसी के अंतर्गत 20 यूपी बटालियन की यूनिट में 40 महिला कैडेट्स हैं। विश्वविद्यालय की शिक्षिका डॉक्टर बुशरा रक्षा मंत्रालय द्वारा ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी ग्वालियर में 90 दिन का ट्रेनिंग प्राप्त कर चुकी हैं और एएनओ के रूप में कैडेट्स को सशस्त्र बल में करियर बनाने एवं अनुशासित नागरिक बनने की दिशा में कार्य कर रही हैं। किसी भी विश्वविद्यालय की पहचान में उसके पूर्व छात्र अर्थात अलुमनाय का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस नए विश्वविद्यालय द्वारा अलुमनाय एसोसिएशन का पंजीकरण कराकर पूर्व छात्रों को अपने अल्मा मेटर से जोड़े रखने का प्रयास किया जा रहा है। मात्र जीविकोपार्जन ही शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। भारत की सभ्यता एवं संस्कृति, पूर्वजों की परंपरा तथा राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों के बोध के साथ सदा अच्छे नागरिक बने रहने का प्रण एवं इस दिशा में प्रयास भी सभी छात्रों से अपेक्षित है। अंत में मैं एक बार पुनः दीक्षा प्राप्त करने वाले अपने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देता हूं, साथ ही साथ उनसे अपेक्षा करता हूं कि वह भारतीय समाज के पुनर्निर्माण में अपनी भूमिका को सार्थक सिद्ध करेंगे। चलते चलते उर्दू के शायर मीर तकी मीर का यह शेर आप सबको ज़रूर सुनाना चाहूँगा। वो कहते हैं, बारे दुनिया में रहो गमजदा या शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो या कि बहुत याद रहो। धन्यवाद।